नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक अनार के बगीचे के अंदर हूं और आज आपको अनार की संपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसमें कि सबसे पहले अनार के अंदर किस तरह से इसकी सिंचाई की जाती है और उसके बाद में इसमें कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है और कैसी कैसी इसमें दवाइयाँ डाली जाती है, उसके बाद में किस तरह से इस पर फल आता है। तो ये तमाम सारी जानकारी अभी मैं आपको मुहैया करवाऊँगा। उससे पहले कि आपको अभी बताते हैं कि इसमें सबसे पहले जो फिल्टर होता है पानी का, वो फिल्टर किस तरह से काम करता है और कैसे पौधों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक फ़िल्टर का पूरा वीडियो दिखाता हूं। यह है दोस्तों फिल्टर, इसमें देखिए ये यहां से पानी आता है, जो ये पीवीसी दी हुई है, ये पाइप है, ये जो पाइप दिया हुआ यहाँ से पानी इसमें होता हुआ, ये जो इसमें जो प्रेशर की घड़ियाल दी हुई है, ये प्रेशर की घड़ी बताती है इसमें कितना प्रेशर जाना चाहिए, और ये यहाँ पर इसमें चूड़ियाँ लगी हुई होती है। ये जो अभी इसमें नीम का पेड़ है, आपको सही दिख नहीं रहा होगा, ये जो है यहाँ पर फिल्टर करके फिर आगे पानी सप्लाई करता है। ये जो वेंचुरी है, ये वेंचुरी इससे जो दवाई होती है, इस जो ये ड्रम पड़ा है इसके अंदर दवाई जो भी घोल करके इस वेंचुरी के द्वारा इसमें चढ़ाते हैं, ये है, ये फिल्टर कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ शीरा है, ये जो आप बाग है, इसके पास में देखो ये एक नल लगा हुआ है, इससे जो जितना कचरा होता है, जो धूल होती है जमा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बाहर निकालते हैं। ये जो इसको खोलते हैं, ये देखो पानी का जो ये यहाँ से जो भी रेती है इस पाइप में जो फंसी हुई थी वो सारी बाहर निकल जाती है। अब इसको हम बंद कर देते हैं और आगे का हम आपको वीडियोज़ बताते हैं किस तरह से पानी इसके अंदर जाता है। ये जो है ये इसका कॉक दिया हुआ है और इसे बंद चालू किया जाता है, वो वेंचुरी में दवाई चढ़ाने से पहले इसको बंद कर दिया जाता है। ये जो कॉक आगे जो आसमानी कलर का जो दिख रहा है, इससे वेंचुरी के द्वारा पानी चढ़ाया जाता है। ये है यहाँ से फिर जो पानी पाइपों तक पहुँचता है और पीवीसी के माध्यम से पाइपों में जाता है, और पाइपों के बाद में देखिए ये जो नली दी हुई है, ये पेड़ों के नीचे बूंद बूंद सिंचाई वाला जो प्लांट सिस्टम लगाया हुआ है उसमें ये जो पानी बूंद बूंद करके जाता है। तो ये देखिए ये पाइप लगी हुई है इस पौधों के जो बीच में, पौधों के नीचे देख रहे हैं आप, और 10-10 फीट के अंतराल में ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब जो समय है वो है इसके प्रिपरेशन का। अभी अनार लगाने से पहले जो पौधे को प्रिपेयर किया जाता है वो प्रिपरेशन चलेगा। तो सबसे पहले इसमें अभी वर्तमान में छोटी सी कटिंग की गई है, नीचे से पौधे को शार्प किया गया है और जो नई फ्रूटिंग थी वो भी निकाल दी गई है, और जो इसमें फूल थे वो भी तोड़ करके एकदम बगीचा साफ सुथरा कर दिया गया है। अभी इसमें क्या होगा, सबसे पहले खड्डे दे करके इसमें खाद डाला जाएगा, और खाद डालने के बाद में इसमें इत्राइल किया जाएगा, और इत्राइल के बाद में इसमें जो फूल आएगा उसके फिर फल लगेंगे, और वो फल उसके बाद में इसमें दवाइयाँ आएगी, और वो तमाम सारी दवाइयों के बारे में अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें तमाम सारी दवाइयों की हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले कि इसमें कौन सा खाद यूज़ करेंगे, अभी जो खड्डे खोदे हैं और जो इसके अंदर खाद देंगे वो होगा देसी जो गोबर का खाद, जो पशुओं का खाद होता है गोबर, वो खाद है। तो गोबर खाद का भी हम आपको ये पूरा ढेर बता देते हैं एक बार। दोस्तों ये खाद है, ये गायों के गोबर का जो है खाद, और ये खाद बिल्कुल ही जैविक तरीके से, जिससे फसल भी बढ़िया होती है और साथ में जो फल आते हैं वो खाने के लिए भी बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, जिससे कि यहाँ अपन बेचते हैं मार्केट में, तो खाने वालों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, और ज़्यादा दवाइयों पर भी भरोसा नहीं, जैविकता पर भी ध्यान देना चाहिए, और सेहत के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहती है ऐसी अनार जो जैविक तरीके से तैयार की गई हो। तो ये हमने खाद के अलग अलग ढेर लगा रखे हैं और ये खाद हम पौधों के अंदर देंगे। अब हम आपको ये जो गड्ढे बताएंगे, किस तरह से गड्ढे किए हैं और किस तरह से इसमें खाद आएगा। तो अभी जो ये इसमें पानी भी चालू है, ये देखो गड्ढे किए गए हैं अनार के पास में, छोटे छोटे गड्ढे हैं जहाँ पर खाद डाला जाएगा, और ये देखो अनार के साइड में सारे जो गड्ढे हैं, प्रत्येक अनार के पास में दो दो गड्ढे किए गए हैं, जिसमें दो दो फावड़ा या फिर एक एक तगारी दोनों तरफ खाद डाली जाएगी, देसी खाद जो गाय की गोबर की जो खाद है वो डाली जाएगी। ये देखिए प्लांट लगा हुआ है, किस तरह से इसमें पानी आ रहा है, देखिए आप बूंद बूंद से, ये बूंद बूंद
आप देख रहे हैं, ये हम आपको कैमरा नज़दीक ले जाके दिखाते हैं किस तरह से पानी इसमें बूंद बूंद करके ये सिंचाई कर रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा अनार का बगीचा। इस तरह से अनार के अंदर अभी जो प्रिपरेशन चल रही है, इसमें खाद डाली जाएगी, इसके बाद में इतराइल होगा और उसके बाद में फल लगाए जाएंगे। फल लगाने के बाद में तमाम सारी दवाइयाँ डाली जाएगी। तो उसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है तो वो आगे हम जो वीडियो बनाएंगे इसी पर हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और जो हमारी लिंक होगी और उसी लिंक पर आप जाके देखेंगे, तमाम सारी दवाइयों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी।